अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूएई में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में किस तरह से रजिस्टर करना है। ये मैं आप लोगों को वीडियो में आज करके दिखाऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है www.ILOE.AE, इसे सर्च करना है। ये टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा, उसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक बटन सब्सक्राइब हेयर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे नोट्स जो है उसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ लेना है, और उसके बाद सब्सक्राइब हेयर बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल में प्राइवेट सेक्टर और फेडरल गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपने प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको इमिरेट्स आईडी नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आप अपना इमिरेट्स आईडी नंबर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी इस बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से फिल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इमिरेट्स आईडी नंबर और मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके इमिरेट्स आईडी के साथ में, उस नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पे फिल करना है। जो नंबर आपका रजिस्टर है वही नंबर आप फिल कीजिएगा, और आपको जैसे ही मैसेज में ओटीपी मिल जाएगा, उस ओटीपी नंबर को आपने यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका जो नाम है, आपका कैटेगरी, और आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है पर मंथ वो लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपका इमिरेट्स आईडी नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर कन्फर्म, आई कन्फर्म माई पर्सनल डिटेल आर करेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने जो प्रीमियम है पॉलिसी, वो आपका कितने दिनों के लिए आप पे करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। 12 मंथ के लिए 63 दरम है, 60 दरम इसका प्रीमियम है, और 5% वैट के साथ, जो कि 63 दरम होता है। 6 मंथ के लिए 33 दरम होता है, 3 मंथ के लिए 18 दरम, और 1 मंथ के लिए 8 दरम होता है वैट के साथ में। अगर आपकी सैलरी 16,000 दरम या उससे कम है तो ये प्रीमियम आपकी होगी। अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो 10 दरम पर मंथ होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का डिटेल है वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, 60 दरम टोटल प्रीमियम, वैट 5% टोटल 3 दरम, जो कि मिला के होता है आपका 63 दरम। उसके बाद प्लीज़ रीड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो है वो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद ओके कर देना है आपने। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डिटेल लिखा हुआ आ जा रहा है। आपको जो आपका कार्ड है वो कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं। वो डालने के बाद पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पे
उसका आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ले सकते हैं, आपको जितने मंथ के लिए वो प्रीमियम पे करना है पे करके ऑप्शन सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस स्कीम से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।